morning, standard third, subject, Hindi, 5, subject, Mari, Kavithae, Koyal, Koyal. तो इसलिए शब्द आते हैं मेरे पेपर में, इसलिए आप लोग समझ लो बातें, आप लोगों को तो क्या समझ आएगा. शब्द के अर्थ है आम, एक स्वादिष्ट फल में को खाते हैं ना, वो संदेशा, खबर, समाचार, जो संदेशा देता है समाचार. डाली, पेड़ की शाखा. रानी, राजा की पत्नी. धरती, पृथ्वी. मेघ, बादल. बोली, आवाज. वले, ने. मिठास, मधुरता. प्यासी, जिसे प्यास लगी वो वो. तो ये उसके कुछ शब्द आ गए. हम लोगों को कविता समझा रही हूँ, आप सब ध्यान दीजिए. देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली. कोयल कैसी है? काली है. और इसकी बोली कैसी होती है? मीठी होती है. इसने तो कुकू कुकर आमों को मिश्री गोली. कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो. कि कोयल तुम सच बताओ कि तुम क्या संदेशा लाई हो. बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो. कोयल हमेशा जंगल में कहीं ना कहीं घूमती रहती है और डाल डाल पर बैठ के वो मीठी आवाज में गुनगुनाती रहती है. उसकी आवाज बहुत मधुर मीठी होती है. क्या गाती हो, किसे बुलाती हो, बतला दो कोयल रानी. कि तुम क्या गाती हो, सबको क्या बताती हो, वो कोयल रानी तुम सबको बता दो. प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी. वो ऐसी आवाज में गाती है तो जैसे लगता है कि वो प्यासी धरती के लिए पानी मांग रही. वो ऐसी मधुर आवाज से गाती हो तो ऐसे प्रकृति में ऐसा लगता है कि पानी बरसे, मेघों से पानी बरसे और प्यासी धरती अपनी प्यास बुझाए. कोयल यह मीठी मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है. कि कोयल को बोलती है कि ये मिठास तुमने अपनी माँ से पाई है. क्या माँ ने ही तुमको यह मीठी बोली सिखलाई है. क्या तुम्हारी माँ ने तुमको ये सब सिखाया है कि इतनी मीठी आवाज में तुम गुनगुनाती हो. डाल डाल पर उड़ना गाना जिससे तुम्हें सिखलाया है. सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया. सबको मीठी आवाज से बात करना कोयल सिखाती है. बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी. तुम बहुत भली हो, तुम बहुत अच्छी हो. तुम्हारी माँ ने तुम्हें सदा सबसे अच्छी बात करने को सिखाई है. इसीलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी. सब चिड़ियों की रानी कोयल है. कोयल को सब चिड़ियों की रानी बोलते है. ये सुंदर कविता है, उसके शब्दार्थ है, मैंने आप लोगों को समझा दिया है. उसकी कुछ एक्सरसाइज है, पीछे स्वादे वो भी समझा देती हूँ, आप जरा ध्यान दीजिए. सही विकल्प चुनकर चिन्ह लगाओ. टिक द करेक्ट आंसर. कोयल किस प्रमाण आमों की मिश्री घोलती है. तो कुकू कुकर वो आमों की मिश्री घोलती है. कोयल क्या देखकर मेघों से पानी मांगती है. प्यासी धरती के लिए मेघों से पानी मांगती है. कोयल कैसी है. कोयल वली है. चिड़ियों की रानी कौन कहलाती है. तो चिड़ियों की रानी कोयल कहलाती है. कोयल किस रंग की होती है. कोयल काले रंग की होती है. कोयल किससे पानी मांग रही है. वो मेघों से पानी मांग रही है. कोयल की मीठी आवाज बोली कि किसने सिखाई है. कोयल को मीठी आवाज में बोलना उसकी माँ ने उसे सिखाया है. तो ये उसकी आंसर क्वेश्चन है और टिक द करेक्ट ऑप्शन है जो मैंने आप लोगों को समझा दिया है. आप लोगों को नोटबुक में से कम्प्लीटली ये लिख लेना है और ये शब्दार्थ नोटबुक में लिख लेना है. वन टाइम Thank you.